स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। समाज शिक्षण। मेरा नाम निजर ताज है। स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी उर्दू की किताबें और रफ रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है? आपके सामने आपके रफ रजिस्टर, पेंसिल और उर्दू की किताब होनी चाहिए। बच्चों, आपको पता है, पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि आपकी किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है? आपकी किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, हिस्से नज़म और हिस्से नसर। हिस्से नज़म, नज़मे जो आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो, नज़म हम्द है, नात है, इसके अलावा कोई तराना है, कौमी गीत, इस तरह की नज़मे, ठीक है? और जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो उसमें गज़ल वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको नज़म के बारे में बता दूँ, ठीक है? जब आप लोग हिस्से नसर की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको हिस्से नसर की तारीफ बता दूंगी कि हिस्से नसर में, ठीक है, असबाक में आप लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नज़म की तारीफ आपको बता दूँ। नज़म किसे कहते हैं? नज़म पढ़ने से पहले आपको मैं नज़म की तारीफ बता दूं। अशआर का मजमूआ जिसमें एक ख्याल को तसलसल से बयान किया जाए, यानी मुसलसल एक ही ख्याल को नज़म में बयान किया जाता है, या फिर बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन अंदाज में बयान करना। इसके अलावा इसकी एक और तारीफ ये भी है कि किसी मौजू को सामने रखकर शेर व शायरी कर, यानी शायर हजरात जो है वो एक ही मौजू को उन्वान बनाकर शेर व शायरी करते हैं, ठीक है? ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ये अपने साथ अपनी रफ रजिस्टर्स पर नोट करते जाएं, शाबाश, नीट नीट लिखते जाएं रफ रजिस्टर्स पर। अच्छा, इसके बाद मैं आपको नज़म की चंद अकसाम, जो अकसाम है इसकी, आप इस क्लासेस में भी पढ़ेंगे और जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो तब जो गज़ल वगैरह है वो अकसाम भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आपकी पिछली क्लासेस में या इस क्लास में जो बुक में हम नज़म की अकसाम है वो कौन कौन सी शामिल की गई हैं, एक है हम, नात, ठीक है, इस तरह की, या कोई तराना वगैरह, ठीक है, ये आपकी किताब में शामिल की गई हैं इस किस्म की नज़में। सबसे पहले हम हम्द की तरफ जाते हैं कि हम्द क्या है। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम्द किसे कहते हैं, ये नज़म की एक किस्म है। आप सबसे पहले नज़म के बारे में पढ़ चुके हैं ना, आपको मैंने बता दिया कि ऐसी नज़म जिसमें एक ही ख्याल को तसलसल से बयान किया जाए, ठीक है, या किसी एक मौजू को सामने रख कर शेर व शायरी करना, तो उसी नज़म की एक किस्म हम, उसकी तारीफ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उनकी बड़ाई बयान की जाए, उसे हम कहते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी किस्म है नात। नात किसे कहते हैं? नात कहते हैं वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उनकी बड़ाई के बारे में बयान किया गया हो, उनकी ज़िंदगी का जिक्र हो, ठीक है, उनके अख्लाक व आदात का, इसके अलावा भी और कई मौजूआत हो सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको नज़म की जो अकसाम हैं वो सिर्फ सरसरी आपको सिर्फ बता दूं, ये अगली क्लासेस में आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में नज़म हम्द होती है, नात है, ठीक है, या कोई तराना वगैरह। ये जो बाकी अकसाम है ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, मरसिया, कसीदा, मुनाजात, गज़ल, गीत, पहेली, तराना, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, नज़म पढ़ाने से पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर एक निकाल लें और मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ कि इसमें रदीफ क्या है, काफिया क्या है, मतला क्या है और मक्ता क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं ये तमाम जो चीदा चीदा चीज़ें हैं मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ। तो नज़म जब पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं पूछूंगी भी आपसे कि आप लोगों ने शुरू में क्या सीखा था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मतला के बारे में बता दूं। मतला किसे कहते हैं? मतला लफ्ज़ की मानी क्या है? तुलू होने की जगह, निकलना। जब भी कोई नज़म शुरू होती है, ठीक है, तो उसके शुरू का जो फर्स्ट
یعنی پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلع کی پہچان. اب مطلع کی کیا پہچان ہے, یہ اس میں قافیہ کی موجودگی ضروری ہے. اب قافیہ کی تعریف بھی میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مطلع آپ جان لیں کہ کسی بھی نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اب مطلع کیسے کہتے ہیں, طلوع ہونے کی جگہ نکلنا, نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں. قافیہ آپ یہ چوتھی کلاس میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ قافیہ کیسے کہتے ہیں. قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ, ایک جیسی آواز رکھنے والے الفاظ. آپ اپنی ریف رجسٹر میں مطلع کی تعریف بھی لکھتے جائیں اور پیج نمبر ون, آپ کی کتاب کا پیج نمبر ون بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ آپ کی بک پیج نمبر ون پر مطلع کا شعر کون سا ہے. نظم ہم, تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں, تیرے انوار چاند تاروں میں. آپ دیکھیں یہ اس نظم کا مطلع ہے. ٹھیک ہے, مطلع جس میں دونوں مصروں میں ہم قافیہ ہم آواز الفاظ موجود ہیں. کون کون سے الفاظ ہیں, لالہ زاروں تاروں, یعنی جس ایسے الفاظ جن کا آخری ایک حرف یا دو یا تین حروف جو ہیں وہ بالکل سیم آتے ہو, ایک جیسے آتے ہوں, ان کی آواز ایک جیسی ختم ہوتی ہو, ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. اچھا جی, پھر آپ اسی پیج نمبر ایک ہی پر, صفحہ نمبر ایک ہی پر لاسٹ شعر کی طرف دیکھیں, مقطع. مقطع میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مقطع کسے کہتے ہیں. نظم کا آخری شعر, نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ جو کتاب میں آپ کے پاس نظم ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری آپ کو دی گئی ہو. ٹھیک ہے, پوری کی پوری نظم ضروری نہیں ہے کہ دی جائے آپ کو, یعنی کسی بھی نظم کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس نظم کا مقطع جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. اب اس نظم کے جو آخری دو مصرے ہیں, یعنی آخری جو ایک شعر ہے, وہ اس کا آخری شعر ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, اچھا بچوں, اتنا تو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ریف رجسٹر پر نوٹ کر دیا ہوگا. قافیہ کی تعریف بھی اپنے ساتھ لکھ لیں. ردیف سے پہلے ہم آواز الفاظ. اب ردیف کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں. ردیف کہتے ہیں, ردیف کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور اس کے بعد ہر دوسرے مصرے کے آخر میں دہرائے جانے والا لفظ ردیف کہلاتا ہے. اچھا, یہ نا تبدیل ہونے والا لفظ ہوتا ہے, اس کی املا بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. ہر نظم میں اس کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کے ساتھ لکھ لیں. اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک آپ سامنے ہے نا آپ کے, تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے شعر یعنی تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں, تیرے انوار چاند تاروں میں, یہاں پر ان دونوں مصروں کے آخر میں کون سا حرف ہے, کون سا لفظ ہے جو بالکل سیم اسی طرح آ رہا ہے جس طرح پہلے مصرے میں ہے. جی بالکل ٹھیک, قافیہ کے بعد ردیف لفظ ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہے میں. اور اس کے بعد جتنی بھی اشعار ہے تو اس کے ہر دوسرے مصرے میں وہی میں لفظ ہی دہرایا جا رہا ہے. تو اب اس نظم حمد میں ردیف کیا ہے؟ جی شاباش, میں لفظ جو ہے وہ ردیف ہے. اور قافیہ الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ جان چکے ہیں. صفحہ نمبر ایک کی طرف دیکھیں, آپ مجھے بتاتے جائیں. شاباش, لالہ زاروں, اس کے بعد دوسرے مصرے میں تاروں, پھر ایک آپ سکپ کر دیں گے, اس کے بعد نظاروں ہیں, بہاروں, سہاروں, مرغزاروں, شاہکاروں. دیکھیں تو ان تمام الفاظ کی آواز ایک جیسی, ان کی آواز بالکل ایک جیسی ہے, ہم آواز الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اور اس نظم کا ردیف کیا ہے؟ میں. شاباش, اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. اچھا جی اسٹوڈنٹس, آپ اپنے ساتھ یہ جو کتاب صفحہ نمبر ایک آپ کے سامنے ہے, سب سے پہلے تو آپ یہ لکھ لیں کہ اس نظم ہم کے شاعر کا نام کیا ہے. شاعر کا نام ہے طفیل ہوشیار پوری. یہ اپنے ساتھ ریف رجسٹر پر لکھتے جائیں, یا پھر آپ کتاب پر بھی لکھتے ہیں پینسل کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے.
ठीक है, तुफैल होशियारपुरी का असल नाम क्या है? मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद तुफैल, ठीक है। इनकी पैदाइश 1914 और तारीखी वफात 1993, ठीक है। तुफैल इनका तखल्लुस, ठीक है, अपनी अपनी नाम की बजाय मुख्तसर नाम जो शोरा हजरात इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, इसको तखल्लुस कहते हैं ना। ये आप पिछली क्लास में, पांच चौथी क्लास में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें अलम की अकसाम है, ठीक है ये। अच्छा जी, आपको पता है कि आपके जो असबाक हैं उसको पढ़ने का तरीका और नज़में जो आप पढ़ भी चुके हैं तो उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो नज़में जो है वो किस अंदाज से पढ़ते हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, और असबाक किस तरह पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह जब सबक हम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले नज़म हम, सफ़ा नंबर एक आपके सामने हो, इसको हम तरन्नम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जैसे हम रीडिंग करते हैं उस तरह नहीं, तरन्नम के साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गौर से सुनते जाएं और तलफ्फुज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। मेरे साथ साथ आप पढ़ते हैं या गौर से सुने आप, शाबाश। तेरी खुशबू है लालजारों में, तेरे अनवार चांद तारों में, हुसन बनकर तू मुस्कुराता है सुबह के नुकरई नज़ारों में, हर गुलितर में है तेरी रंगत, जलवगर है तू ही बहारों में, तू वसीला है सब वसीलों का, तू सहारा है सब सहारों में, जिक्र तेरा तय्यूर करते हैं सब जजारों में मरगजारों में, आप अपनी मिसाल हर शाहकार, ए खुदा तेरे शाहकारों में। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने इसको पढ़ा है आपने यकीनन इसके तलफ्फुज को गौर से सुना होगा, ठीक है। इसको मेरे साथ एक दफ़ा फिर आप लोग पढ़ लें ताकि इसमें जो नए अल्फाज हैं उसकी तलफ्फुज की अदायगी आपको जहन नशीन हो जाए, ठीक है। तेरी खुशबू है लालजारों में, तेरी खुशबू है लालजारों में, तेरे अनवार चांद तारों में, हुसन बनकर तू मुस्कुराता है सुबह के नुकरई नज़ारों में, हर गुलितर में है तेरी रंगत। यहाँ से बन नंबर दो स्टार्ट होता है, जब मैं आपको नसर लिखवाऊंगी तो ये बन नंबर दो यहाँ से शुरू होता है। हर गुलितर में है तेरी रंगत, जलवगर है तू ही बहारों में, तू वसीला है सब वसीलों का, तू सहारा है सब सहारों में। अब यहाँ से बन नंबर तीन शुरू होता है। जिक्र तेरा तय्यूर करते हैं सब जजारों में मरगजारों में। स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग भी रीड करते जाएं, पढ़ते जाएं, शाबाश, ताकि जो नए अल्फाज हैं उसकी अदायगी आपको आ जाए। जिक्र तेरा तय्यूर करते हैं सब जजारों में मरगजारों में, आप अपनी मिसाल हर शाहकार, ए खुदा तेरे शाहकारों में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यकीनन आपको नए अल्फाज उनकी अदायगी आप लोगों ने सुन ली होगी और जहन नशीन भी कर ली होगी। यहाँ पर मैं आपको बन नंबर एक, ये जो चार मिसरे हैं, अब मिसरे और शेर की तो समझ आपको आ गई होगी, ये तो आप छोटी क्लासेस में 1 और 2 से, तीसरी जमात से नज़में पढ़ते आप आ रहे हैं, तो मिसरा किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं फिर से दोहरा देती हूँ, तेरी खुशबू है लालजारों में, ये एक मिसरा हो गया, ठीक है। मिसरा हो गया एक सतर पर मबनी, ठीक है, एक लाइन पर मबनी, ये एक मिसरा है, ठीक है। दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाता है। अब यहाँ पर शेर क्या है, तेरी खुशबू है लालजारों में, तेरे अनवार चांद तारों में, ये एक शेर हो गया, कंप्लीट मुकम्मल एक शेर, ठीक है। मिसरा क्या चीज है, तेरी खुशबू है लालजारों में। बच्चों, ये आपकी उर्दू की किताब है, ठीक है, बराए जमात शशम, ठीक है, गौर से देख लें, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, और ये आपकी उर्दू की किताब का सफा नंबर एक पर हमद में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मिसरा किसे कहते हैं और शेर किसे कहते हैं, मिसरा किसे कहते हैं, एक सतर पर मबनी, ठीक है, यानी एक लाइन जो है किसी भी नज़म का
एक लाइन, एक मिसरा, ठीक है, जब दो मिल जाए तो उसको, जब दो मिसरे मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक शेर कहते हैं, ये जहन नशीन कर ले, ठीक है। अब ये जो नज़म है ये अशआर की सूरत में है, लेकिन आपके लिए दो दो अशआर को हमने उसको फिर नसर की सूरत में मैं आपको इंशाल्लाह लिखवाऊंगी, आपको समझाऊंगी भी। पहले बन की तरफ आप देख लें, तेरी खुशबू है लाल अजारों में, तेरे अनवार चांद तारों में, हुसन बनकर तू मुस्कुराता है सुबह के नुकरई नज़ारों में। इसकी अल्फाज मानी भी इंशाल्लाह मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी नसर आपको मुख्तसरन बता दूं कि पहले बंद में शायर क्या फरमाना चाहते हैं, क्या फरमा रहे हैं। आपको बताया भी गया है ना कि नज़म हम्द में अल्लाह ताला की बड़ाई, उनकी सिफ, उनकी सिफात और सना बयान की जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इस नज़म हम्द में शायर अल्लाह ताला की सिफात और हम्द सना बयान करते हुए ये फरमाते हैं कि ए अल्लाह तूने इस दुनिया में खूबसूरत बाग बनाए हैं, ठीक है, लालजारों, इसके मानी भी लिखते जाएं, लालजारों बाग चमन, ठीक है, लालजारों का क्या मतलब है, बाग चमन, ये आप अपनी किताब पर पेंसिल के साथ लिखते जाएं, लालजारों बाग चमन, तेरे अनवार चांद तारों में, अनवार नूर की नूर की जमा रोशनी, अनवार नूर की जमा रोशनी। अच्छा जी, ए अल्लाह तूने इस दुनिया में खूबसूरत बाग बनाए हैं जिनमें हर तरफ मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं वाले फूल खिले हैं, इन फूलों की खुशबू में हमें तेरी जात नजर आती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले शेर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास जो है मैं आपको मुकम्मल इस पूरी नज़म की आपको नसर बताऊंगी, आप अपने साथ नोट करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपने घर में इस नज़म को ज़ुबानी, इसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। सफ़ा नंबर एक, और जो उनवान है वो है नज़म हम्द, सफ़ा नंबर एक, इसकी पढ़ाई आप घर में करेंगे, ठीक है, इस ताकि आप अल्फाज की अदायगी सीख लें, ठीक है। शायर का जो नाम है वो है तुफैल होशियारपुरी, जिनका असल नाम अभी मैंने आपको बताया, मोहम्मद तुफैल। अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपने गौर से सुना होगा मेरे लेक्चर को, और कल इंशाल्लाह हम इसकी नसर में आपको इंशाल्लाह लिखवाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।